एकदम जंतर मंतर पर। यहाँ अप्रेंटिस जिन लड़कों ने आईटीआई की डिप्लोमा किया, अप्रेंटिस करी और रेलवे के अंदर इन्होंने अपनी सेवा दी, आज भारत सरकार रेल मंत्रालय इन बच्चों की तरफ, इन लड़कों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? इनके पेरेंट्स, इनके माँ बाप इनके ऊपर आश्रित हैं और ये जंतर मंतर पर आज इन्हें बारवा दिन हो गया है। किसी भी सरकार ने इनकी बात सुनने के लिए अभी कोई तैयार नहीं हुआ। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, आज इन्हें बारवा दिन हो गया है। हम लोग ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट एसोसिएशन की तरफ से आए हैं, लगातार 10 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। लगातार छात्र की तबीयत खराब, बच्चों की तबीयत खराब होती जा रही है। ये बारिश में भी लड़के लोग आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हमारी मांग एकदम जायज है, वन सेटलमेंट तो जल्द से जल्द सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग डबल स्किल्ड है। मोदी ने स्किल का नारा दिया था कि हमारे देश को उन्नति में ले जाएगा। ये जो बच्चे हैं अप्रेंटिस रेलवे में किए हुए हैं, इनकी पूर्व की सरकार इसको योजना के तहत में इसको नौकरी पर रखा जाता था, लेकिन अभी की वर्तमान की सरकार इसे 4 साल से ट्रेनिंग करवा करके बैठा रखा। भूखे प्यासे ये लोग रोड पर आंदोलन हर एक चार साल से लगातार करते आ रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। रेलवे आला अधिकारियों का क्या कहना है? अभी तक कोई आपको कोई आश्वासन देने आया? अभी तक तो रेलवे बोर्ड से कोई आश्वासन नहीं आया है, इसीलिए बच्चों का अभी सबर टूटते जा रहा है। साहब हम अभी हमारे पेट पे आ गए, हम नौकरी लेके जाएंगे, आप है तो नौकरी लेके जाएंगे, क्योंकि इस नौकरी से हमें बहुत अहमियत है। ये नौकरी नहीं मिलेगी तो हम सब भूखे मर जाएंगे। सर हमें नौकरी बहुत जरूरी है, इसीलिए हम डट के कर जाएंगे, नौकरी लेके जाएंगे। मैं माननीय सुरेश प्रभु जी से विनती करता हूँ कि हमें हमारा हक दे दिए। आज तक जितने रेल मंत्री बने हैं उन्होंने सबने अप्रेंटिस को नौकरी दी है, मैं उनसे भी दरखास्त करता हूँ कि हमें नौकरी दी जाए। 20% जो उन्होंने लागू किया है, जिस दिन से लागू किया है उसके आगे से फॉलो किया जाए, हम पीछे वालों को फॉलो ना करें, प्लीज। मैं उनसे दरखास्त करता हूँ, आज हमारे पेट पे आ चुकी है, हमारा परिवार परेशान है, नौकरी हमें चाहिए, मतलब चाहिए सर, किसी भी काम में नौकरी चाहिए। यूनियन के लीडर आपके बीच में आ रहे हैं, वो क्या आश्वासन दे रहे हैं? एनएफआईआर के श्री गोपाल मिश्रा सर जी कल अपने बीच हमारे अप्रेंटिस के बीच आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बेटा आपका काम हम जरूर करेंगे, ऐसे इस तरह से आश्वासन दिया है। अभी देखते हैं क्या है, हमें उनसे बहुत आशा है, रेलवे बोर्ड से आशा है कि हमारे आशा की निराशा नहीं होगी। हम उनसे हाथ लगा के बैठे हैं और हमें धरना कंटिन्यू जारी रखेंगे, जब तक नौकरी लेंगे, जब तक जान में जान है तब तक हम नौकरी या धरना चालू करेंगे और नौकरी लेके जाएंगे। सब चीजों को लेके ये युवा साथी कहा जाता है कि जब
की रोटी मांगने के लिए इतने बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी से भीख नहीं मांग रहे, इन्होंने डबल कोर्स किया है और रेलवे ने इनको अपने 3 साल 4 साल 5 साल रखने के बाद में इनको निकाल दिया गया है। एक साथी हमारे भाई राकेश जी, आइए हमसे जानकारी लेते हैं कि आगे क्या प्रॉब्लम। राकेश जी, जो इस समय जो आप ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरीके का आक्रोश कर रहे हैं, तो इससे आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के द्वारा ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा धरना आज 10वें दिन लगातार जारी है और आज हमारे साथियों में काफ़ी रोष है सरकार के प्रति और हमारे उस प्रधानमंत्री के प्रति। अभी कल साथियों ने एक ट्वीट देखा हमारे मोदी जी का, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ रोजगार की दलाली करने वाले लोग रोजगार मांग रहे हैं। क्या मोदी जी आपको दलाल लगते हैं? हम लोग डबल स्किल्ड हैं, हम लोगों ने लोन लेकर ITI का कोर्स किया, उसके बाद हम जो हमारा राइट है आज तक की सभी सरकारें हमको देती आई हैं। आपकी सरकार आने से रेल के प्राइवेटेशन के चलते हम लोगों को घर पे बैठा रही है, हम लोग आलोचना के पात्र हैं। हमारे बीच में कई साथियों ने आलोचना बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से आत्महत्या तक कर ली, तो हम आपको दलाल लगते हैं क्या? मोदी जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हम लोग अपना हक मांगते हैं, जो हक मांगेगा वो चोर है, वो देशद्रोही है, वो दलाल है। आपने हम लोगों को दलाल बना दिया, बताइए हम लोग दलाल कहाँ से हुए? एक तरफ आप बोलते हो स्किल इंडिया, हम लोग स्किल इंडिया के तहत पहले से स्किल्ड हैं, डबल स्किल्ड हैं, पहले ITI की, फिर अप्रेंटिसशिप की, फिर उसके बाद हम दर दर भटक रहे हैं। किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास जाते हैं वो ये कह के वापस मोड़ देता है कि तुम्हें रेलवे ने स्किल्ड किया है, तुम्हें कारखाने रेलवे का काम आता है, इसलिए तुम्हें काम भी रेलवे देगा। अब बताइए मोदी जी, ये दलाल लोग कहाँ जाए? आप हमें दलाल बोल रहे हो, आपका ट्वीट देखकर हमें बहुत दुख हुआ। आप हमेशा देश में माहौल कुछ और होता है और कुछ और दिखाते हो। देश में किसान मर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, हमारे पास में ही हम देख रहे हैं, आज कम से कम 150 दिन से ज्यादा हो चुका है। हम लोग उसी किसान के बेटे हैं, उसका बेटा और बाप दोनों सड़क पर मर रहा है। आप क्या कर रहे हो? देश में विदेशों में घूम रहे हो और लोगों को जुमलेबाजी करके बड़े बड़े वादे करके आज जंतर मंतर पर देखो, नौजवान ने ये काली शर्टें नहीं पहनी है, ये दिखा रहे हैं कि सरकार ने हम लोगों को काली पट्टी, इस सरकार ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधी है। वो खोले काली टी शर्टों के अंदर रहकर 10 दिन लगातार आज धरना प्रदर्शन किया है। हम मोदी जी यही मांग करते हैं कि आप बार बार हर एक श्रम सम्मेलन में, हमने आपके द्वारा मुंह के द्वारा सुना है कि मेरे देश का मजदूर दुखी होगा तो देश कैसे सुखी होगा। हम आपसे हाथ जोड़कर अपना सम्मानजनक अधिकार मांगते हैं, सिर्फ रेलवे में रोजगार मांगते हैं, वो भी ग्रुप डी में। कोई हमें अफसर की पोस्ट नहीं चाहिए, हम लोग टेक्निकल स्किल्ड हैं, बेरोजगार हैं, और हम सिर्फ आपसे यही विनती करते हैं, जिस तरह आपने प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत देश के नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया है, उन्हीं बीच में से हम लोग हैं जो रेलवे ने हम लोगों को स्किल्ड किया है, हमें रोजगार प्रदान कर दीजिए। राकेश जी, यूनियन का जो रेलवे की यूनियन है, कई यूनियन चल रही है, उन यूनियनों का क्या आश्वासन है आपके लिए? देखो, इतनी बारिश हो रही है और बारिश में हमारे साथी प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेड यूनियंस हमेशा हमारे हक के लिए लड़ती रही है, मगर सरकार ने भी उनको कहीं ना कहीं दबा दिया है आकर। जिस प्रकार 7वें पे कमीशन की बात रही या अप्रेंटिसों का हक मांगने की बार बार बात रही, फास्ट ट्रैक कमेटी में हमारी यूनियन ने 2015 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि जितने भी अप्रेंटिस कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस है उनको सेफ्टी कैटेगरी में जो 2.5 लाख वैकेंसी खाली हैं उनमें उनको जगह दी जाए और उनको सम्मानजनक रोजगार दिया जाए, क्योंकि रेलवे में एकमात्र अप्रेंटिस ही है जो रेलवे में होने वाली भर्ती पर खर्चे की बचत करती है, सिर्फ मात्र डाक खर्च पर, ओनली पोस्टल कार्ड के ऊपर हम लोग भर्ती होते हैं। सिर्फ रेलवे ने हमें एक कॉल लेटर ही भेजना है, ना नोटिफिकेशन निकालना है, ना एग्जाम दिलाना है, अलग किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं करना है, जबकि RRC
आरआरबी द्वारा होने वाली भर्ती में 55,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक एक एक एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च करती है इसी भर्ती के नाम पर, इसलिए उसको बढ़ावा देती है। हम लोग सिर्फ स्किल्ड हैं, हमारा कसूर यही है कि हम स्किल्ड हैं, हम लोगों से उनको कहीं पर भी एक रुपया कमाने का मौका नहीं मिलता है। एक सिर्फ लीगल तौर पर, कानूनी तौर पर हम साफ सुथरे तरीके से भर्ती होते हैं, इसीलिए हम लोगों को दलाल बोला जा रहा है। धन्यवाद। लड़ रहे हैं और मोदी जी बोल रहे हैं अभी मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हम डबल स्किल्ड हैं, डबल स्किल्ड हैं, यह मोदी जी को बार बार बोल रहे हैं। रेलवे अप्रेंटिस में 20,000 प्लस स्टूडेंट है जो पढ़ लिख कर बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, ये स्टूडेंट क्या करेंगे? पढ़ लिख कर इतना पैसा फूंक देते हैं, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, बाद में इनको नौकरी नहीं मिलती, ये युवा कहाँ जाए? मोदी जी बताओ, आप बोल रहे हो कुशल कारीगर, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तो 20,000 रेलवे में डबल स्किल्ड है, हमारा क्या कसूर है? मोदी जी, हमको स्टाइफन दिया गया है, 2 साल स्टाइफन दिया गया है, हमारा क्या कसूर है? बोलो, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं आपसे, अपना हक मांग रहे हैं। हम अपने हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, तो आप किस तरीके से हक मांग रहे हैं? हम हमारा हक इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आज से पहले मंत्रालय में जितने भी रेल मंत्री बने हैं उन सभी रेल मंत्रियों ने हमें हमारा अधिकार दिया है, हम सभी रेलवे अप्रेंटिसेस का समायोजन किया है, जबकि वर्तमान में जो हमारे रेल मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं वो रेल में कम खर्चे की बात करते हैं। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आरआरसी के माध्यम से हमें लाना चाहते हैं, आरआरसी से जो लड़के भर्ती होते हैं वो नॉन टेक्निकल होते हैं और उनको 1 साल तक ट्रेंड किया जाता है, 1 साल तक ट्रेंड करने के लिए वो पूरी सैलरी लेते हैं, हम 3 साल तक 1,800 रुपए के स्टाइपेंड में पूरा टर्नओवर देते हैं, उसके बाद रोडों पर बैठे हुए हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। और कम खर्चे की बात करने की जो बात कही जा रही है, तो हम 5 रुपए के डाक टिकट में भर्ती हो सकते हैं, हमने हर तरीके से रेल की सेवा की है और हमें रेल में हमारा अधिकार मिलना चाहिए। ये रेल मंत्री जी क्यों नहीं समझते हैं कि अगर कम खर्चे का कहीं पे भी बजट क्लियर होता है तो हम अप्रेंटिस को हमें हमारा अधिकार देना चाहिए, कहीं ना कहीं पे हम अप्रेंटिस अपने अधिकार को पाने के लिए इस जंतर मंतर से इस दिल्ली के अंदर हर हाथ से गुजर